सो हेलो स्टार्स, वेलकम है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सारे बच्चे जा रहे हैं कहाँ पे? केदारनाथ और बद्रीनाथ, मिनी केदारनाथ एंड बद्रीनाथ और डी ऐसे नहीं है। तो अभी देखो ये पागलपंती चल रही है पीछे क्या ही बताऊं मैं आपको। और गाइस यहाँ पे इतनी भीड़ है कि हम लोग पता नहीं कैसे एडजस्ट करके जा रहे हैं, जिसे हम नहीं जानते। और गाइस हम टिकी मैदे में आ गए। दीक्षा, दीक्षा जस्ट शो मी योर फेस। ओ माय गॉड, टिकी मैदे आ रहे हो बोल के भी पीछे से कैप्चर कर। बोलो अब ये देखो, ये लोग जा रहे हैं घूमने, धूप बहुत तेज है। ये दो तन टिक्की में बैठी हुई है। फ्रूटी कहां है हमारी? ये लोग आगे और देखो दूसरी गाड़ी यहाँ लगी हुई है, इसमें भी शायद हमें डिग्री में किसी का नंबर आ जाए। ये देखो फोन मेरे पास आ चुका है गाइस, सॉरी फॉर द पागलपंती, क्योंकि मैंने किसी पागल लोगों को अपना फोन दे दिया था। अब वो ब्लॉग बना रहे थे। पप्पी को नहीं बोला यार, ये दीक्षा वगैरह को बोला है, पप्पी को नहीं बोला गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं डीग वाले घर में, वहां से हम लोग जाएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर ऑफ राजस्थान। तो चलो, सम्मान विद इंट्रोवर्ट पर्सन हमारे बीच में बैठ गया है, कुछ भी बोलता नहीं, बहुत ही सीधा लड़का है, वो फंस गया है हमारे बीच में। इन्हें देखो वीडियो बनाना है। आपकी जगह यही है दीक्षा, आपकी जगह यही है। मेरे से ऐसे मत कहो यार, मेरी जगह तो मैं तो शहजादी हूँ अपने घर की, मेरे को तो बहुत स्पेस चाहिए बैठने के लिए, इसीलिए इसे अलग ही स्पेस दिया गया है। सही कह रही हूँ ना पप्पी दीदी? अब हम लोग तो देखो बूढ़े बड़े में हम तो शहजादियाँ, इसीलिए आगे बैठते हैं। खुशबू अच्छे से गाने मैं कनेक्ट करूँ गाइस, बहुत मजे आते हैं जब हम लोग साथ में मिलते हैं। तो सच्ची में हमें डिग्गी में बैठना पड़ता है, पर हम घूमना मिस नहीं करते, जब भी मिलते हैं हमें कहीं ना कहीं जाना जरूर होता है। तो चले दीदी, चलो आइस पाय। हमारे जीजू इतने सीधे कि हम जहाँ भी कह दें वहीं चल देते हैं। इतने सीधे कि अपनी फेवरेट साली को इतना स्पेस दे रहे हो, सोफा के बराबर। इतने अच्छे, इतने दिल के सच्चे। आप अच्छी लग रही हो लेकिन बहुत। मैं तो हूँ ही। ओहो, मैं दो सेकंड कर दूँ यार। नहीं मैं नहीं। अभी हमारे और भी मेंबर्स आ रहे हैं पीछे वाली गाड़ियों में, तो सिर्फ इतने मेंबर्स नहीं है और भी हैं। अब एक गाड़ी डिक से, एक गाड़ी डिक से हो गई और एक अक्खा से भी तो आ रही है। अब कैप्चर दीक्षा को ये ही नहीं पता कि हमारे साथ सम्मान आया है, इतना सीधा लड़का है, बोलता ही नहीं है। यहाँ पे देखो जीजू आराम से सो रहे हैं और हम पता कैसे आए, डिक्कियों में बैठ बैठ के। ये है हमारे फॉरेनर जीजू, फॉरेनर एक सेकंड। लेकिन मुझे ये चीज नहीं पता चली आप रहते कहाँ हो।
मैं हाँ तुम सबके दिलों में रहते नहीं ये तो है हाँ। वैसे बताओ कहाँ रहते हो? मैं बेसिकली रहता हूँ देखो बैंकॉक में। अच्छा ठीक है, बैंकॉक कंबोडिया वही मेरे हेडक्वार्टर है, उन्हीं में ही घूमता रहता हूँ थोड़ा सा बस। देखा काम ऐसा करो कि पहुंच जाओ फौरन। अब गाइस देख लो ये हमारे जीजू हैं, अब ये फॉरेन के हो चुके हैं, अब हमारे नहीं रहे, हमारे पास आते हैं डेढ़ दो साल में, एक एक साल में आते हैं, ये एक बार सिर्फ एक बार। अब आएंगे डायरेक्टली राहुल जी की शादी में 8-9 महीने बाद। अब शादी भी मिलेंगे, शादी मिलेंगे। अभी तो हम घूमने जा रहे हैं केदारनाथ। कहाँ जा रहे हो? मिनी केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ओह वाओ, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम, व्हाट अबाउट यू? ये सही था, ये सही था। आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओह माय गॉड, यू आर सो सो, इसका रख ले, इवन आफ्टर लुकिंग अस, यू आर सो सो, इसका रख ले, वो सो सो पर टिक गई। तो कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम? बहुत अच्छा, कल का फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड, वाओ, दैट वाज वेरी फैंटास्टिक मोमेंट, या ग्रेट मोमेंट आई हैड, ग्रेट मोमेंट। ऐसा ही होता है जब कोई पहली बार बोलने की कोशिश करता है, या से आगे नहीं बढ़ता हो। कूल 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 ना, कूल सो कूल। I see the funny girl of our house. मीनिंग ऑफ वेरी गुड, डार्लिंग डियर होता है, दो मिनट काम करेगा किसी को भी, होता है ना डार्लिंग डियर। ओके ओके ओके, स्टार्ट कब हम उनसे बताया, उससे पहले मैंने बताया था जब आप गाने वाली, अब हम जल्दी से बोलते हैं इनसे तैयार होने की। अरे आई एम ऑलरेडी तैयार, मतलब कि गाड़ी वाड़ी में जाके बैठो फिर हम घूमने चलेंगे आराम से, ये कहना चाहती हूँ मैं। अपनी बाइक से पूछो क्या कर रही है, क्या बाइक जाए बाहर में तुम आगे गाइस, अब ये चलेगा व्लॉग में, और अरे मेरे को दिखा सेवेज रिप्लाई, नहीं आप तो रहते हो ना बाहर, इसीलिए सालियों की वैल्यू कर रहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो देखो कोई बात नहीं है, अकेले मतलब वैसे भी रहती है पूरी साल, हम लड़ाई नहीं करवाएंगे, हम तो पैचअप करवाने वाले लोग हैं। तुम लोग कैसे हो, तुम लोग लड़ाई करवा रहे हो, गाइस मजाक कर रहा था गाइस। अब देखो जिस लड़की ने लड़ाई करवाई उसी ने दल बदल लिया है। गाइस मैं तो घर जोड़ू वाला, तो गाइस अब हम दीदी और जीजू को थोड़ा पैचअप करवाते हैं, कॉल हो क्या परिवर्तन के साथ, अरे पैचअप हो चुका है, उनका कभी लड़ाई नहीं हो सकती, डोंट वरी आई एम जोकिंग, यस मैं ऐसे हां दीदी आई एम जोकिंग, ओके ओके ओके, अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद गाइस गाइस, अरे सुनो सुनो, यहाँ पे दूसरी कंट्री के लोग हमारी डिबेट में शामिल होना चाहेंगे, ये देखो गाइस, गाइस ये हमें नहीं जानते, हम इनको नहीं जानते, तो हम परेशान कराते हैं, यहाँ सिर्फ ये लोग मौजूद है, ये वाला हमें भी आपकी ट्रिप पर कोई प्रॉब्लम है, यही लाइन में चलता है, वो दाना हमारी दुनिया से बिल्कुल हमारी दुनिया से, ये दोनों ऐसे हैं जो कुछ बोलते नहीं है, साइड में बैठे रहते हैं, और ये वो पार्टी है जो रुकती नहीं है, ये लोग युगांडा से आए हैं, ये लोग युगांडा से आए हैं, हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए शर्म करो कुछ तो बोलो, क्या
कौन? कोई नहीं आया अभी, बच्चे बोल रहे हैं। चलो गाइस अभी व्लॉग को थोड़ा यहीं पे एंड करते हैं। स्टॉप कर दे, स्टॉप थोड़ी देर के गाइस। ये स्पैक्स मैंने दुबई से गई थी, मैंने थम लिए थे। सो गाइज ये है ओवर एक्टिंग की दुकान, ये पूरा शो ऑफ करने में लगी है। मैं दुबई गई थी। कॉलेज वालों को भैया 6-7 लाख रुपए दिए, जब जाएगी नहीं क्या ये? नहीं गाइज 5.45 देखो प्यार आ गया, प्यार आ गया। तुलसी इतनी पतली है कि पता भी लग रहा बीच में कोई बैठा है। गजब बेइज्जती है। चल चला थोड़ी देर स्टॉप कर।